हेलो नमस्कार, मैं हूँ शेफ नंदनी दिवाकर फ्रॉम मास्टर शेफ इंडिया। और आज हम एक बार फिर से मिल रहे हैं अमूल लाइव में, सिंपल होममेड रेसिपी विद अमूल। तो आज की जो मेरी रेसिपी है, चीजी बीटरूट बॉल्स विद मैंगो सालसा, जिसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है और मेरे सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो तैयार हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़े और लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम अपनी रेसिपी आज बनाना शुरू करेंगे। और बेसिकली जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ में है, जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल है। और इस समय लॉकडाउन के समय में काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें घर पे इजीली मिल जाते हैं, तो मैंने उन्हीं के साथ पूरी कोशिश करी है कि जो आज की रेसिपी है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट करें। तो मैं बनाने वाली हूँ चीज़ी बीटरूट बॉल्स विद मैंगो सालसा। तो मैंने क्या किया है, बीटरूट को ग्रेट करके उसको देसी घी के साथ भून लिया था, ताकि उसका जो पानी है वो एकदम सूख जाए। और इसमें हम डालेंगे चने की दाल। चने की दाल को मैंने रात भर सोख करके उसको सुबह अच्छे से वॉश करके उसमें नमक और हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी डाल करके उसको मैंने कुकर में 2 सीटियां लगा ली। उसके बाद उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया बिना पानी के। ग्राइंड करते समय कोई पानी नहीं डाल रहे हैं हम। ये डालेंगे थोड़ा सा और साथ में अमूल का पनीर। तो जो चीजी बीटरूट बॉल्स है वो बहुत ही उसमें पनीर भी है, दाल भी है, बीटरूट में बहुत सारा आयरन भी है, तो बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। हमारे जो बॉल्स हैं बहुत ज्यादा हेल्दी भी हैं। इसके साथ जो इसमें स्टफिंग, जो इसमें सीजनिंग जाने वाली है, मैंने एक थेचा होता है जो कि हरी मिर्च और साबुत धनिया, लहसुन और थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने उसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट पेपर, हरा धनिया। मंजू जी पूछ रही हैं क्या बीटरूट को बॉईल किया है? नहीं, मैंने बीटरूट को बॉईल नहीं किया, मैंने उसको धुल करके अच्छे से ग्रेट करके फिर उसको मैंने देसी घी के साथ भून लिया है। आप इसको बॉईल करके भी, प्यूरी बना के भी आप इसको देसी घी के साथ भून सकती, ताकि जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। आप सबको हेलो बोल दीजिए। सब हेलो हेलो, बोल रहे आप हैं। सभी का अमूल लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और आप जितने लोग भी जुड़े हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे साथ जुड़े हो। मेरी इस रेसिपी, जो मेरी रेसिपी बना रही हूँ बीटरूट चीज़ी बॉल्स, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही हेल्दी है ये, और इजीली जो भी आपके घर में प्रोडक्ट है उनसे बन जाएगी। तो मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, अब हम इनके बॉल्स बनाएंगे। तो साथ में जो मेरे पास अमूल का मोजरेला चीज़ है, हम इसको बॉल्स के बीच में स्टफ़ करेंगे। तो मैं थोड़ा सा लूँगी स्टफिंग और इसके बीच में हम भरेंगे। आप एक बार बता दीजिए आप फिर से क्या बना रही हैं। आज बिल्कुल मैं बना रही हूँ चीज़ी बीटरूट बॉल्स। तो उसके लिए मैंने बीटरूट लिया था, ग्रेटेड बीटरूट, जिसको कि मैंने देसी घी के साथ भून के और रखा था। उसके बाद साथ मैंने चने की दाल है, जिसको कि मैंने रात भर सोख करके फिर सुबह उसको कुकर में डाल के हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके मैंने सीटी लगा ली है। फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, वो भी बिना पानी के। उसके बाद मैंने उसमें डाला है अमूल पन इसमें डाला मैंने अमूल पनीर और चॉप्ड कोरिएंडर, और एक मैंने मसाला बनाया था जो कि मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है, जिसमें कि साबुत धनिया था, जीरा और गार्लिक और लाल मिर्च। तो हम अपने बॉल्स बना लेंगे, चीज़ को बीच में स्टफ करना है।
आपके कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे पनीर की जगह पे आलू भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चने की दाल की जगह आप कुछ और यूज़ करना चाहते हो लाइक न्यूट्रीला भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो पनीर के साथ साथ में। मधुमिता पूछ रही है कैन आई स्किप यूज ऑफ पनीर इन दिस डिश। हाँ आप पनीर की जगह पे आलू का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करनी है, आप आलू का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो बॉल्स जब फ्राई होंगे उसके अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट होगा तो और अच्छा लगेगा, और जो कलर है बॉल्स का वो बहुत अच्छा आएगा। शालिनी जी थोड़ा लेट हो गई है, एक बार उन्हें डिश बता दीजिए। हेलो शालिनी जी, आज मैं बना रही हूँ चीजी बीटरूट बॉल्स विथ मैंगो सालसा। तो मैंने बीटरूट को अच्छे से ग्रेट करके और उसको फिर देसी घी में भून लिया ताकि उसका जो पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। साथ में मैंने चने की दाल का यूज़ किया, चने की दाल को मैंने भिगो करके रात भर रखा था, फिर मैंने सुबह उसको धुल करके उसमें नमक और हल्दी के साथ थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने कुकर में एक सीटी लगा ली, उसके बाद उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ पनीर और थोड़ा सा हरा धनिया, नमक और थोड़ा सा काली मिर्च कुटा हुआ, और थोड़ा सा यहाँ पे साबुत हरा धनिया, जीरा और गार्लिक को मैंने क्रश करके इसमें डाला हुआ। तो जो मेरे बॉल्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और मैं एक तरफ तेल गरम होने के लिए रख दूंगी। तो अमूल के जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही लाजवाब है। बेसिकली अमूल देसी घी, अमूल पनीर, तो अमूल जो बटर का टेस्ट है वो आज तक मेरे ख्याल से किसी और बटर में हमें मिला ही नहीं है। आप दुनिया भर के कोई भी बटर यूज़ कर लीजिए लेकिन जो अमूल बटर का टेस्ट है वो एकदम लाजवाब, उसके जैसा कोई नहीं है। तो जो हमारे बॉल्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, और मीन वाइल हम साथ साथ में आप बनाएंगे जो हमारा मैंगो सालसा है हम वो बनाएंगे। तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं चॉप्ड मैंगोज़, और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर, चॉप ग्रीन चिली, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मंजू जी पूछ रही है हमें बीटरूट कितना लेना होगा और दाल, चने की दाल कितनी लेनी होगी। मैंने यहाँ पे 2 बीटरूट ग्रेट किए हुए हैं, आप लाइक 2:1 का रेशियो ले सकती हैं। यहाँ पे लेमन डालूंगी मैं। अनुपमा मैम पूछ रही है कि ये फ्राई होने में ऑयल में फैलेगा कि नहीं। नहीं, ये फैलेगा नहीं क्योंकि अभी हम इसके ऊपर एक स्टली लगा के कोटिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स इसको रोल आउट करेंगे, और ये फैलेगा नहीं क्योंकि इसमें बाइंडिंग है, दाल भी है और पनीर है तो ये बाइंड बाइंड हो चुका है। तो जो हमारा मैंगो सालसा है वो तैयार है, और साथ साथ में मैं एक और सैलड कुछ कुछ सैलड बनाने जा रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए कुछ कुछ सैलेड के लिए हम एक ड्रेसिंग बनाएंगे सबसे पहले। तो उसमें हम लेंगे, मेरे पास है मस्टर्ड, मेरे पास है मस्टर्ड का एक पेस्ट है, तो मैं हम वो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने मस्टर्ड निकाल लिया है, साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हनी आधा चम्मच, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, सॉल्ट और
लेमन जूस। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम यहाँ पे हनी मस्टर्ड एक ड्रेसिंग बना रहे हैं अपने सैलेड के लिए। आप एक बार रेसिपी फिर से बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत से लोग चाहते हैं कि रेसिपी उन्हें फिर से एक बार बताई जाए। आज मैं बना रही हूँ चीज़ी बीटरूट बॉल्स विद मैंगो साल्सा। तो मैंने बॉल्स बना लिए हैं पहले ही, मैंने बना के रेडी करके रख दिए हैं। उसमें मैंने डाला ग्रेटेड बीटरूट, जिसको कि मैंने ग्रेट करके उसको देसी घी में भून लिया था। उसके साथ हमारे पास है चने की दाल, जिसको मैंने रात भर सोख करके और उसको फिर मैंने सुबह हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर लिया और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल का पनीर, और उसके अंदर डाला है मैंने चॉप कोरिएंडर, और मैंने एक मैंगो साल्सा बनाया होगा जिसके अंदर है चॉप मैंगोस और कटा हुआ हरा धनिया, सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा लेमन जूस। और बॉल्स बना के मैंने रेडी कर दिए हैं। और उसके साथ साथ अब मैं इसमें कुछ का सैलेड बना रही हूँ, जिसके अंदर की ड्रेसिंग है, जिसके अंदर की हनी है और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट है, सॉल्ट है, पेपर है और लेमन है। तो मेरी जो ड्रेसिंग है वो बनकर तैयार है। दिशा जी जानना चाहती हैं कि हनी की जगह वो क्या यूज़ कर सकते हैं। हनी की जगह पे आप ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। हनी की जगह पे आप ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हो, या आप थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में जाना चाहें, थोड़ा सा आप गुड़ को भी मेल्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर देगा अगर आप हनी के साथ नहीं जाना चाह रहे। तो ये जो ड्रेसिंग है वो बनकर तैयार है। साथ साथ मेरे पास है कुसकुस, ये एक तरह का मिलेट है जो कि मैंने, बस इसको क्या करना होता है कि पानी में जब पानी बॉयल होने लगे इसको डाल करके गैस ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद ये अच्छा सा बिल्कुल खिला खिला सा बन जाता है। तो मैं इसमें ये डालूँगी। कविता जी कह रही हैं वेरी वेल एक्सप्लेन मैम। ओके, तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी, मेरे पास है ट्राई कलर बेल पेपर्स, जिनको कि मैंने बिल्कुल फाइन कट करके रखा है। हम डालेंगे फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, अनुपमा पूछ रही है मैंगो रॉ है क्या? नहीं नहीं मैंगो रॉ नहीं है, मैंगो तो पका हुआ है, राइट मैंगो है। क्या मैंगो की जगह हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं? आप जैसे लाइक अभी सीजन में जो जो फल आ रहे हैं, आप मैंगो की जगह पे लाइक गुआवा का साल्सा बना सकते हो, एप्पल साल्सा बना सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें लाइक अभी प्लम आ रहा है, प्लम का आप बना सकते हो, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो मेरे अभी सीजन में अभी मैंगो आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंगो का यूज़ किया है। तो जो हमारा सैलेड है वो बनकर तैयार है। तो हमने सैलेड भी बना लिया और साल्सा भी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक स्लरी, जो कि जिसमें कि हम अपने बॉल्स को डिप करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर ब्रेड क्रम लगाएंगे। तो हमारे पास है मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, मैं एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लूंगी। शालिनी जी आप पूछना क्या चाहती हैं एक बार आप बता दीजिए, सभी क्या मिक्स किया है मैम? आप अपना क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफाइन वे में पूछिए। एक चम्मच इसमें डालूंगी मैदा, तो मैदा और कॉर्नफ्लावर मैंने 1:1 का रेशियो लिया है यहाँ पे। और हम डालेंगे साथ में थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर हम डालेंगे, थोड़ा सा पानी। शालिनी जी आपका जो क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, मैं आंसर करूंगी। आप एक बार दोबारा से पूछ लो आपका क्या क्वेश्चन है। बताइए खुसखुस क्या होता है? बिकॉज खुसखुस एक मिलेट है, लाइक जैसे आपका ज्वार, बाजरा, ये खुसखुस भी उसी कैटेगरी में आता है।
आप अगर आपके पास कुसकुस नहीं है तो आप दलिया का यूज कर सकते हो। दलिया को आप भिगो दो, उसके बाद उसको हल्के से गर्म पानी में उसको ब्लांच कर लो, उसके बाद उसको छान करके रख दो, और जैसे आपका एक कुसकुस है बिल्कुल दलिया भी उसी तरह से बनेगा, और आप उसी तरह से दलिया का भी सैलड बना सकते हो। यहाँ पे शालिनी जी जानना चाहती हैं अभी क्या मिक्स किया है आपने। अभी मैंने यहाँ पे एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच मैदा दोनों को मिलाया है, साथ में इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा पेपर डाला है। शालिनी जी और आप क्लियर है? रिंकू जी जानना चाहती हैं कि सैलेड में क्या क्या यूज़ किया है आपने। सैलेड में मैंने जो मैंने सैलेड बनाया है कुसकुस का सैलेड बनाया है, उसमें मैंने कुसकुस डाला है और हनी मस्टर्ड की एक मैंने ड्रेसिंग बनाई है। हनी लिया है, एक चम्मच हनी लिया है और आधा चम्मच मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है, सॉल्ट पेपर और लेमन, और साथ में मैंने यहाँ पे ट्राई कलर्स मेरे पास बेल पेपर थे मैंने वो लिए हैं, और फ्रेशनेस के लिए मैंने यहाँ पे चॉप कोरिएंडर डाला है। प्रतिभा जी जानना चाहती हैं खुशखुश और पानी का क्या रेशियो होगा। लाइक अगर आपका वन वन कप अगर आपका कुसकुस है तो 1 कप आपका वहाँ पे पानी भी होगा, 1:1 का रेशियो होता है। तो मेरी जो स्लरी है वो बन गई है। मेरे पास है ब्रेड क्रम्ब, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, बॉल्स को स्लरी के साथ कोट करूंगी और फिर ब्रेड क्रम्ब से इनको रोल आउट करूंगी। हमेशा ध्यान रखें कि कभी गीला हाथ अपने ब्रेड क्रम्ब में मत लगाएं, वरना ब्रेड क्रम्ब आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा और ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। सारे बॉल्स को आप ब्रेड क्रम्ब से रोल आउट करिए। अगर आप ब्रेड क्रम्ब का यूज नहीं करना चाह रहे हो, अगर ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप पोहे का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे पोहे का यूज कर सकते हो, ओट्स का यूज कर सकते हो, और साबूदाना के पापड़ को आप फ्राई करके उसको क्रश करके उसका भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है, उनकी जगह पर आप बहुत सारी चीजें और भी यूज कर सकते हो। शालिनी जी जानना चाहते हैं कि ड्राई कुशकुश है तो वो प्लीज उन्हें दिखा दें। मैंने उसका डब्बा फेंक दिया है, लेकिन मैं आपको, शालिनी जी आप मुझे DM कर देना, मैं आपको उसकी फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, निकाल करके मैं उसकी नेट से फोटो निकाल करके आपको उसका लिंक भी भेज दूंगी, आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ये बहुत हेल्दी है कुशकुश, आप यूज कर सकते हो अपने अपने सैलेड में, आप रोज यूज कर सकते हो, बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी लगता है ये, और बहुत ही जल्दी बनने वाला एक सैलेड है। आप इवन कुसकुस के भी बॉल्स बना सकते हो। एक बार आप रेसिपी फिर से बता दीजिए, बिकॉज बहुत से लोग शायद अभी जुड़े हैं तो उन्हें रेसिपी। हेलो ऑल ऑफ यू, आज मैं बना रही हूँ चीजी बीटरूट बॉल्स विद मैंगो सालसा, जो कि मैंने बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अभी मैं आपको एक क्विक रेसिपी रिकैप दे दूंगी। तो मैंने जो बॉल्स बनाए हैं, जो मैंने बॉल्स बनाए हैं उसके अंदर मैंने डाला है, आप इधर एक मिनट दिखा दीजिए, मैंने उसमें डाला है बीटरूट जिसको कि मैंने ग्रेट करके और फिर उसको देसी घी डाल करके उसको भून लिया ताकि उसका पानी अच्छे से सूख जाए। साथ में मेरे पास है चने की दाल जिसको कि मैंने बॉयल करके और उसमें नमक और हल्दी डालकर बॉयल किया है, सूखा ज़्यादा पानी नहीं डाला, उसके बाद मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। साथ में मैं अमूल का पनीर यूज़ कर रही हूँ और हरा धनिया, और जो हमने उसमें सीजनिंग डाली है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाला हुआ है, और एक और सीजनिंग बनाई थी मैंने जो कि साबुत खड़ा धनिया, जीरा और गार्लिक एंड थोड़ा सा लाल मिर्च, उसको मैंने कूट लिया है कोर्सली और उसको मैंने सीजनिंग के तौर पे इसमें ऐड किया है। तो जो बॉल्स हैं उनको बनाए, उसके अंदर मैंने मोजरेला चीज़ को फिल किया है, उसके बॉल्स बनाने के बाद मैंने कॉर्नफ्लावर की एक स्लरी लगाई है, स्लरी लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब रोल आउट कर दिया है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। साथ में हमने बनाया है कुसकुस का सैलेड, कुसकुस के सैलेड में है कुसकुस जो कि एक मिलेट है, साथ में मैंने इसमें ट्राई कलर बेल पेपर डाले हुए हैं, और जो इसमें ड्रेसिंग बनाई है वो है हनी मस्टर्ड की ड्रेसिंग जिसमें कि हनी है, मस्टर्ड है, सॉल्ट, पेपर एंड लेमन,
और फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया। और हमारे पास है मैंगो सालसा, जो कि मैंगो आपको आजकल आराम से बाजार में मिल जाएगा। मैंगो सालसा है, इसमें इसमें चॉप मैंगो है, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस और हरा धनिया। और अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। खुशखुश का लिंक आपने सेंड करी, बिकॉज बहुत से लोग जानते हाँ, नहीं मैं आपको क्या है। कुछ का लिंक सेंड कर दूंगी, आप मुझे DM कर देना, वरना मैं इसी रेसिपी सेक्शन में कुछ का लिंक आपको सेंड कर दूंगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी दिवाकर नंदिनी के नाम से, और मेरी कुकिंग क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप मुझे DM कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे भेज दूँगी। सैटरडे संडे जूम पे हमारी क्लासेस होती है, 5-star कुकिंग क्लासेस, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो आप अगर सीखना चाह रहे हैं इंटरेस्टिंग रेसिपीज तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और हम अपने बॉल्स को फ्राई करेंगे। शालिनी जी जानना चाहती हैं क्या आपके पास ड्राई खुसखुस है, तो उन्हें वो दिखा दें। नहीं, मेरे पास कुछ आज बहुत ही लास्ट अमाउंट बचा था, मैं बहुत टाइम से उसको यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म हो गया। मैं आपको, आप टेंशन मत ले, मैं आपको लिंक में सेंड कर दूँगी और शेयर कर दूँगी, आप कहाँ से भी ले सकते हो, इवन ऑनलाइन आराम से आपको मिल जाएगा। आप अमेज़ोन से भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, मिल जाता है आराम से। मैं लखनऊ से हूँ तो मैंने यहाँ पे एक मतलब स्टोर है, मैंने वहाँ से ले लिया था, ये इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में, आप ले सकते हो। आपके पास कुछ नहीं तो मिलेट की और भी वैरायटीज है, लाइक आप ज्वार भी ले सकते हो, फिंगर मिलेट ले सकते हो, और बाजरा जो होता है, बाजरे का भी आप इसी तरह सलाद बना सकते हो। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, दलिया यूज़ कर सकते हो। इरा मैम पूछ रही है कि आप रिटर्न रेसिपी देते हो। हाँ, जो हमारी क्लासेस हैं उनमें हम आपको रिटर्न रेसिपी PDF फाइल्स भी देते हैं और साथ साथ में सिखाते भी हैं। आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अंकिता जी जानना चाहती हैं ऑनलाइन क्लासेस का कोई लिंक है क्या। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस का लिंक मैं आपको इसी रेसिपी सेक्शन में आपको वो कर दूँगी, शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ आप मुझे DM कर दो। नंदिनी दिवाकर के नाम से मैं फेसबुक पे भी हूँ और दिवाकर नंदिनी के नाम से मैं इंस्टा पे आपको मिल जाऊँगी। तो हमारे जो बॉल्स हैं वो जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, हम अपने बॉल्स को फ्राई करेंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे ही करना है क्योंकि हमारी अधिकतर जो चीज़ें हैं वो पहले से फ्राई हैं, तो हमें ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं। और अगर आप बहुत हाई फ्लेम पे करोगे तो बॉल्स बाहर से जल जाएंगे, तो इनको मीडियम फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है। तो जो बॉल्स हैं वो बाहर से क्रंची होंगे और अंदर से चीज़ी होंगे। एक बार आप रिकैप दे दीजिए, बिकॉज बहुत से लोग जानना चाहते हैं रेसिपी फिर से। जो मैंने बना आज मैं बना रही हूँ वो है चीजी बीटरूट बॉल्स विथ मैंगो सालसा। तो जो ये रेसिपी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप कभी भी देख सकते हो आराम से। बॉल्स हमारे लगभग हो गए हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। चीज़ कुछ चीज़ें कुछ चीज़ मेल्ट होके बाहर निकल रही है।
इरा मैम कह रही हैं कि फ्लेम हाई लग रहा है मुझे, नहीं प्लीज। मैंने मीडियम रखा हुआ है। शालिनी मैम पूछ रही हैं कि डीएम कैसे किया जाएगा। मैम आप प्लीज़ उन्हें बता दें। आप मुझे नंदी दिवाकर, मैं फेसबुक पे नंदी दिवाकर के नाम से हूँ, आप मेरे अकाउंट में जाके आप मुझे मैसेज कर दो, मैं वहाँ से आप आपकी सारी जो क्वेरीज हैं मैं आपको आंसर कर दूँगी। या फिर आप मैम को इंस्टा पे भी कर सकते आप हैं। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो दिवाकर नंदिनी के नाम से, मैं आपको वहाँ पे भी मिल जाऊँगी। और आप सभी ने मुझे मास्टर शेफ में भी देखा होगा, तो आई थिंक मैं इजीली आपको इंस्टा पे भी मिल जाऊंगी और फेसबुक पे भी मिल जाऊंगी। तो हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो रेडी हो गई हैं और अब हम करेंगे प्लेटिंग। तो मैंने प्लेटिंग के लिए क्या किया हुआ है, मैंने जो हमारी मेयोनीज होती है उसमें मैंने जो हमारी कोरिएंडर, जो हम मिंट चटनी बनाते हैं हरी धनिया और मिंट के साथ में, मैंने उसको मेयोनीज में मिला करके इसको ब्रश की सहायता से यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। तो अब हमारे पास है मैंगो सालसा, मैंगो सालसा के साथ साथ मेरे पास था अमरस, आई थिंक आप लोगों को पता होगा स्टार फ्रूट, तो मैंने वो भी मेरे पास है थोड़ा सा, और इसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, तो मैं मैंगो सालसा में वो भी डालूंगी क्रंच के लिए थोड़ा सा। और इसे आप बाद में क्यों डाल रही हैं ये भी बता दें कि पहले आपने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये पानी छोड़ देगा, तो मैंने इसलिए अभी इसमें डाला है ताकि जो ये क्रंच है इसका वो मेंटेन रहे। और साथ साथ में जो हमारे पास स्टार फ्रूट है उसको मैं थोड़ा सा चाट मसाला के साथ सीजन करूंगी। ये हम अपने गार्निशिंग में यूज करेंगे, हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली। सानिया जी पूछ रही है मैम क्या ये क्यूजीन कॉन्टिनेंटल है। हाँ ये फ्यूजन है क्योंकि इसमें इंडियन फ्लेवर्स भी हैं और आपका इटालियन फ्लेवर भी है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। तो शालिनी जी आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मैम के पेज पे जाके मैम को मैसेज कर सकती हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप इजीली आपको इजीली मैं मिल जाऊंगी। शालिनी जी आप परेशान मत होइए, मैं ये सेशन देखूंगी और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको आंसर करूंगी। तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अमूल का देसी घी, थोड़ा सा साइन शाइन के लिए। तो जो हमारे सारे एलिमेंट है वो रेडी हैं, और साथ में मैंने एक अमूल जो दही है, अमूल दही के साथ मैंने एक डिप बनाई जिसको कि मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने अमूल दही को रात भर टांग दिया मतलब ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। फिर उसमें मैंने सुबह बीटरूट की प्यूरी बना करके, बीटरूट को बॉयल करके उसको मिक्सी में अच्छे से मिक्स मतलब प्यूरी करने के बाद मैंने कर्ड में मिला दिया, उसमें थोड़ी सी अमूल की क्रीम भी मिलाई है ताकि थोड़ा सा बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर आए। तो अब हम करेंगे अपनी प्लेटिंग, हम रखेंगे अपने तो सबसे पहले हम रखेंगे अपना जो हमारे पास हमारा कुसकुस का सैलेड है वो रखेंगे।
ये हमारे बॉल्स को देगा थोड़ा सा हाइट। अब हम रखेंगे अपने बॉल्स। साथ में हमारे पास है मैंगो सालसा, इसको हम रखेंगे यहाँ पे बीच में। प्रतिभा जी कह रही हैं ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू प्रतिभा जी। आप ये बताइए आपने ये ग्रीन सर्कल कैसे बनाया है? ये आई थिंक आपके पास कोई भी प्लेट होगी, प्लेट को बीच में रख के मैंने ब्रश से लाइन कर दी है बस। तो ये हो गया। अब हमारे पास है जो मेरे पास है बीटरूट की डिप, वो मैं इसके ऊपर पाइपिंग करूंगी। साथ में हमारे पास है जो हमारा टमाटो केचप है, वो मैं यहाँ पे डालूंगी। और हमारे पास है फ्रेश कोरिएंडर जो कि हम यूज़ करेंगे गार्निश के लिए। मेरे पास है कुछ माइक्रो ग्रीन्स, वो मैं यहाँ पे रखूंगी। विकल्प जी कह रहे हैं सुपर से ऊपर मैम। और देखिए तो योर चीजी बीटरूट बॉल्स विद मैंगो सालसा इज रेडी। और साथ में जो मेरे पास है जो हमने यहाँ पे एक स्टार फ्रूट का वो बनाया हुआ है, पिकल्ड स्टार फ्रूट, उसको भी मैं लगा दूंगी। शो नाउ योर चीजी बीटरूट बॉल्स विद मैंगो सालसा इज रेडी। एंड आपको आई होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी आप प्लीज पूछ सकते हो, मैं सभी आंसर करूंगी। और कुछ का मैं आपको लिंक जरूर शेयर करूंगी। और अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है आप प्लीज़ मुझे DM करो, हम अपनी सारी डिटेल्स आपको मैसेज करेंगे। और एवरी सैटरडे संडे जूम पे सारी क्लासेस होती हैं और क्लासेस के बाद हम आपको सारे PDF नोट्स भी देते हैं। तो अमूल के प्रोडक्ट के साथ इतनी ब्यूटीफुल रेसिपी, आई थिंक बहुत ही नॉर्मल से प्रोडक्ट हैं जो आपको घर पे भी मिल जाते हैं, वो मैंने आज यहाँ पे तैयार करी है, जिसमें कि मैंने अमूल देसी घी का भी यूज़ किया, अमूल क्रीम, अमूल बटर और अमूल कर्ड का भी यूज़ किया है। तो अमूल के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके साथ जो आपकी रेसिपी है उसका टेस्ट तो बहुत दुगना हो जाता है। और साथ साथ में एक सिंपल सी रेसिपी भी बिल्कुल होटल स्टाइल लगने लगती है। तो आई थिंक जो सिंपल सी रेसिपी है उसको मैंने बिल्कुल एक मॉडर्न वे में प्रेजेंट किया है। और आई होप आप सभी को पता ही होगी। और अमूल में मुझे एक बार वापस लाइव आने का मौका मिला, इसके लिए अमूल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आप सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपके जो भी कमेंट्स आप प्लीज़ मैसेज करिएगा, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। तो रेसिपी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो आज प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने बनाया है बीटरूट चीजी बीटरूट बॉल्स विथ मैंगो सालसा। कल्पना जी आप रेसिपी पेज पर देख सकते हो, आराम से आपको पेज पे मिल जाएगी रेसिपी और आप पूरी रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली बीटरूट के बॉल्स हैं, बीटरूट और उसके साथ चने की दाल, पनीर को मैंने मिक्सअप किया, उसके अंदर चीज़ को स्टफ किया, उसके ऊपर से कॉर्नफ्लावर की स्लाइस लगाकर मैंने उसके ऊपर
ब्रेड क्रम को रोल आउट करके फ्राई कर दिया, मैंगो का सालसा बनाया है, कुछ कुछ सैलेड बनाया है और एक बीटरूट की डिप बनाई है। तो आई होप आप सभी को रेसिपी पसंद आई होगी और फिर हम मिलते हैं बहुत जल्दी अमूल के लाइव में। और अमूल पे आने के लिए मुझे एक मतलब अमूल पे वापस बुलाने के लिए मुझे अमूल का बहुत बहुत शुक्रिया। और वापस फिर मिलते हैं अमूल के प्रोडक्ट के साथ और एक बहुत अच्छी बेहतरीन सिंपल रेसिपी को एक मॉडर्न वे में प्रेजेंट करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, तब तक आप खुश रहिए, घर पर रहिए और इन्जॉय करिए।